जी मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। आपके दिमाग का बल्ब होना जाए फ्यूज, देखते रहें A24 न्यूज़। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना, प्यार से देखते रहिए। थैंक यू। अखिल महाराष्ट्र स्वस्त ने दुकानदार महासंघ, मैं राज्याध्यक्ष DN पाटिल, हमने हमारे डिमांड को लेकर 9 तारीख को हम पत्रकार परिषद लिए थे गए महीने में होटल मोदी के अंदर, जो कि आपको मालूम है। हमने उसके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतला भी दिए थे कि भाई हमारे डिमांड पूरे करो, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ भी किया नहीं। उसका शासन का निषेध करते हुए हम लोग आज यहाँ पे पूरे धरने आंदोलन के, हमारे साथ पूरे छत्रपति संभाजीनगर जिले के पूरे तालुका के साथ सिटी के महानगर क्षेत्र के पूरे लोग यहाँ पे आज तुम्हारे सामने मौजूद है। हमारी डिमांड ये है कि भाई हमारे को एक दिन पर 300 रुपये कमीशन दो, नहीं तो 150 रुपये में कम नहीं है। इसलिए हमारा कहना यह है महीना 50,000 से कम नहीं, कमीशन में कोई दम नहीं। ये हमारा बहुत वक्त ये पूरे इंडिया के अंदर आज चल रही है। आज जो यहाँ पे आपने कलेक्टर ऑफिस के सामने, जिलाधिकारी छत्रपति संभाजीनगर के ऑफिस के सामने हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप उसकी मालूम दे सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पूछ सकते हैं। एक ही टाइम पे 11 बजे से 3 बजे तक पूरे आंदोलन शुरू हो चुके हैं। हम 2 बजे के हमारे कलेक्टर साहब ने निवेदन देने के लिए, लेने के लिए, स्वीकारने के लिए हमको कॉल किया है। वो टाइम पे हम कलेक्टर ऑफिस में जाके निवेदन दे रहे हैं। डिमांड तो हमका शासन जब तुम्हारा और हमारा है तो हमारी बात तो और आपकी बात तो उनको सुनना ही पड़ेगी, नहीं तो हम 1 जनवरी 2024 से सब पूरा महाराष्ट्र से रेशन बंद करने वाला है। और उसके बाद में अगर नहीं सुने 16 जनवरी 2024 से दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के एक साथ पूरे इंडिया के लोग 5,68,000 परमाधारक हमारे है, महाराष्ट्र में 55,000 है, पूरे इंडिया लेवल पे 5,68,000 परमाधारक है। ये दिल्ली में टक्कर मार के रामलीला मैदान में होकर जंतर मंतर पार्लियामेंट ऑफिस के अंदर हम घेरा डालने वाले हैं।